किसी भी एचवीएसी सिस्टम में, किसी भी चिलर सिस्टम में, किसी भी एयर कंडीशनर में, किसी भी एसी में, हर तरह के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, सेंट्रलाइज एसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, उसका नाम है एक्सपेंशन वाल्व। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने टाइप्स का होता है और कैसे ऑपरेट होता है, ताकि जो हमारे टेक्नीशियन भाई किसी साइट पे काम कर रहे हैं या कोई भाई हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, या कोई भाई हमारे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो एचवीएसी का इंटरव्यू हो या फिर चिलर टेक्नीशियन का इंटरव्यू हो या सुपरवाइजर का इंटरव्यू हो, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को बताना कि एक्सपेंशन वाल्व क्या है, कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ इसकी जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड भी है और आपके काम करने के भी रिलेटेड है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कि एक्सपेंशन वाल्व कितने टाइप का होता है, या आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको जो नॉर्मली आजकल जो चलता है वो फोर टाइप का होता है। एक होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, मैं आप लोगों को साथ साथ में दिखाता भी हूँ। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो कमर्शियल सेंट्रलाइज एसी होते हैं, चिलर होते हैं, और जो हमारे एचवीएसी एचवैक के बहुत सारे सिस्टम में लगा हुआ होता है, उसमें ये लगा हुआ होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। और ये कैसे ऑपरेट होता है तो आप लोग जानते हैं, इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। जो सक्शन लाइन का टेम्परेचर होता है उसको ये बेलो के थ्रू सेंस करता है, और जो प्रेशर होता है सक्शन लाइन का प्रेशर भी ये सेंस करता है। तो उसके थ्रू ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व चलता है। जब अगर कभी प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और टेम्परेचर, अगर मान ले कि एग्जाम्पल सक्शन लाइन का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया है तो ये एक्सपेंशन वाल्व को और भी ज्यादा ओपन करेगा ताकि वहां पे कूलिंग हो। और अगर मान लीजिए कि जो हमारा सक्शन लाइन है वहां का टेम्परेचर जो है, बेलो जो उसमें लगा होता है वो सेंस करता है, अगर उसको मालूम चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया है, फ्रीजिंग हो गई, कुछ हो गई है, तो वहां पे एक्सपेंशन वाल्व अपना एक्टिविटी करेगा। तो इस तरीके से ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की, नंबर दो पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, आप लोगों ने सुना होगा ईईवी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग ईएक्सबी भी बोलते हैं, लेकिन ईईवी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ये कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ लगा होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ज्यादातर चिलरों में लगा हुआ आता है। जो मैंने थर्मोस्टेटिक आपको बताया वो आपको पैकेज एसी, डीएक्स यूनिट और आपका चिलर हो गया, और बहुत सारे एचवैक सिस्टम में ये लगा हुआ होता है। और जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की, ये ज्यादातर जो हमारा चिल्ड वाटर सिस्टम होता है, जो चिलर प्लांट होता है, उसमें ये यूज होता है, और कई जगहों में ये वीआरवी और वीआरएफ में भी यूज किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आप लोग जानते हैं कि स्टेप कॉइल होता है, स्टेप मोटर इसको बोले, स्टेप कॉइल बोल लें, तो इसमें क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से खुलता है कि आपका एक्सपेंशन वाल्व कितना परसेंट ओपन करना है लोड के अकॉर्डिंग, लोड हमारा कितना है। तो लोड कैलकुलेशन कैसे होता है वही फार्मूला है इसका भी, कि सक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर जो इसका जो मॉड्यूल होता है, जो हमारे चिलर सिस्टम का या वीआरवी या वीआरएफ का, वहां से वो सेंस करते हैं कि कितना प्रेशर चल रहा है, कितना टेम्परेचर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल्व को वो ओपन करता है और क्लोज करता है। इस तरीके से वहां पे ये एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, ये ज्यादातर जो नए मॉडल्स के जो जो भी सिस्टम आ रहे हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। और थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी बहुत सारे हमारे एचवैक सिस्टम में लगा हुआ आता है, जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है। उसको भी हम लोग नॉर्मली अगर चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ऑटोमेटिक सेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो कैपिलरी ट्यूब टैप एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब टैप एक्सपेंशन वाल्व बहुत सारे एसीओ में यूज़ किया जाता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ये स्प्लिट एसी में, डीएक्स यूनिट में और विंडो एसी में, फ्रिज में और बहुत सारे हमारे रेफ्रिजरेटर में भी
यूज़ किया जाता है। एक और हम लोग जानते हैं ओरिफेस। ओरिफेस बहुत सारे एक्सपेंशन वाल्व में इंटरनली दिया जाता है और कहीं कहीं पे ये डायरेक्टली छोटे से डमी में दिया हुआ होता है, कभी डीएक्स यूनिट में या स्प्लिट एसी में अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। ओरिफेस ये भी एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है। ये चार पाँच तरह के एक्सपेंशन वाल्व थे जो आप लोगों को मैंने बता दिए। अगर आप लोग चाहें तो कहीं भी आपसे इंटरव्यू में अगर कोई सवाल हो तो आप ये जवाब दे सकते हैं इजी तरीके से, और कहीं पे भी अगर आप काम करें तो आपको इसे वीडियो को देखकर पहचानने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।